उज्जैन में पुलिस ने गुंडा अभियान के तहत दो अद्यतन बदमाशों के अवैध बने मकानों को नगर निगम की टीम के माध्यम से जमींदोज करने का काम किया। इस गुंडा अभियान में पुलिस और नगर निगम की टीम ने दो हिस्ट्री शीटर बदमाशों के मकानों को जमींदोज किया। उज्जैन में कुछ दिनों से बदमाशों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस गुंडा अभियान चला रही है। अभियान के तहत अद्यतन बदमाशों के द्वारा अपराधों की आड़ लेकर लोगों को डरा धमका कर एकत्रित की गई संपत्ति पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाने का काम शुरू किया है। नगर निगम की टीम ने हीरा मिल की चाल के गजानंद कंपाउंड में रहने वाले हेमंत उर्फ बच्चा सिंह और मक्सी रोड के गोपालपुरा के आरोपी अर्जुन सुनहरा नामक दो हिस्ट्री शीटर बदमाशों के मकान को जमींदोज करने का काम किया है। दोनों बदमाशों के खिलाफ 16 प्रकरण दर्ज हैं, जबकि अर्जुन को जिला प्रशासन 3 जिला बदर भी कर चुका है। वर्तमान में भी अर्जुन जिला बदर काट रहा है। ये जो अर्जुन सुनहरे का घर है, पिता राजाराम सुनहरे, इनके खिलाफ 16 मामले दर्ज हैं, आपराधिक मामले। उनके सारे मामले चाकूबाजी, लड़ाई, दंगे, रंगदारी के मामले हैं। इनके खिलाफ 3 जिला बदर का मामला भी पेश किया गया है। अभी जिला बदर ही चल रहा है। तो इन्होंने जो भी अपराध से संपत्ति कमाई है, उसके खिलाफ प्रशासन ने कदम उठाए, इनका घर तोड़ा गया। कितने मामले दर्ज? 16 मामले दर्ज है कुल इनके खिलाफ। 3 जिला बदर भी प्रस्तुत है इनके। अभी 1 जिला बदर चल रहा है, 2 जिला बदर ये पहले काट के आ चुके हैं। इसका नाम हेमंत कुमार उर्फ बच्चा सिंह है। इसके खिलाफ 16 मामले कायम है। सारे मामले मुख्यतः NDPS के मामले हैं। इसके खिलाफ अवैध शराब के मामले हैं, चाकूबाजी के मामले हैं, नकबजनी के मामले हैं। तो कुल टोटल 16 अपराध इसके खिलाफ कायम है। इन अपराधों से जो इसने धनराशि अर्जित करी है, जिसका लाभ उठाकर इसने अवैध मकान का निर्माण किया है, उस मकान को शासन के गुंडा विरोधी अभियान के तहत तोड़ा गया। गोपालपुरा क्षेत्र में अर्जुन का मकान तोड़ने के दौरान परिजनों ने मकान नहीं छोड़ने को लेकर जमकर हंगामा भी किया। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बैंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।